साल 1982 में आई फिल्म नमक हलाल में अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल ने साथ काम किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा थे। इस फिल्म से पहले स्मिता ने कोई भी ऐसी फिल्म नहीं की थी जिसमें स्मिता को सिंपल रोल के साथ साथ बोल्ड सीन भी देने थे। इस फिल्म में भी स्मिता साड़ी में ही नजर आई थी, लेकिन इस फिल्म में एक बेहद ही बोल्ड गाना था। इस फिल्म में स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन पर एक गाना फिल्माया गया था। गाने के बोल थे, आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। इस गाने में हर सीन और गाने के हर बोल सभी बहुत ही बोल्ड और रोमांटिक थे। एक इंटरव्यू में स्मिता ने बताया था कि वो इस गाने को लेकर काफी डरी हुई थी। फिल्म नमक हलाल के इस गाने में अमिताभ और स्मिता को बारिश में भीगते हुए फिल्माना था और स्मिता इसे फिल्माने में बहुत डरी हुई थी और झिझक रही थी, और उनके डर को कम करने के लिए अमिताभ बच्चन ने स्मिता से शूट के पहले काफी देर तक बातें की। आपको बता दें, गाना काफी बोल्ड और रोमांटिक था। गाने को शूट करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि इस तरह के सीन उन्होंने कभी नहीं किए, तो ये गाने की सीन उनके फैंस को अच्छे लगेंगे या नहीं, और यही बात सोचते हुए स्मिता पाटिल पूरी रात रोई। आपको बता दें, स्मिता ने अमिताभ बच्चन को कह दिया था कि वो अब एक भी कमर्शियल फिल्म नहीं करेंगी। अमिताभ के काफी समझाने के बाद स्मिता इस फिल्म की रिलीज के लिए राजी हुई थी। वहीं फिल्म रिलीज होने के बाद स्मिता के फैंस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये गाना बहुत पसंद आया, और स्मिता ने माना कि उनका अंदाजा गलत था कि उनके फैंस उन्हें पसंद नहीं करेंगे।